देन वी मेक जुकीनी, वी मेक करी जुकीनी. हाँ, करी पाउडर डालते हैं यार इसके अंदर, तो मुझे पता ही नहीं था. करी पाउडर. पोलैंड में आचार की वैल्यू बहुत है गाइस, जैसे हमारे इंडिया में है. ये चीज शायद काफी इंडियंस को सरप्राइजिंग लगे. यहाँ पे हर घर अपना आचार बनाता है और अपनी दारू बनाता है. बट आचार इज ऑल्सो इक्वलन टू दारू का वो यू नो स्टॉक. तो आई थिंक ये टाइम आता है जब क्यूकम्बर के आचार, जिसको अगुर की पिकल कहते हैं, अगुर की सीजन आ गया है. हाँ, तो इसका पिकल का सीजन आ गया है. तो अब दिखाएंगे आपको आज की यहाँ के आचार कैसे बनते हैं. इंडिया से डिफरेंट होते हैं जैसे यहाँ बनाते हैं ये लोग, बट टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं भाई, अच्छे होते हैं. यहाँ पे गाइस अभी फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है इनकी ना, अपनी सिटी यहाँ पे. ऑब्वियसली आपको पता है पोलैंड में फुटबॉल का कितना क्रेज है, तो दे क्रिएटिंग स्टेडियम हियर. तो यहाँ की सिटी भी खेलेगी, तो करेंगे मैचेस भी कवर करेंगे, विल कवर सम मैचेस. अच्छा लग रहा है, स्टेडियम बनने वाला है तगड़ा वाला. एंड आवर टीम इज कॉल्ड रदमयक. रदमयक, ओफो, चलो भाई तुम्हारा भाई अब रेदमाक की जर्सी पहन के साड़ा अंदर घुस के समझ रहे पूरा प्रॉपर वाला हिसाब करेगा भाई. दोनों इंग्लैंड और पोलैंड का वही हाल है भाई, इतना क्रेज है फुटबॉल का, लेकिन टीम नेशनल टीम में इतनी कोई जहरीली होती नहीं है. पता नहीं भाई वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है भाई इनको. ये एक और वो यू नो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कैस्टोरामा, ये भी काफी बड़ा है भाई. बहुत सारे हैं, आई थिंक ये सिटी में तो बहुत ही सारे हैं. सो दिस वन इज मोर फॉर लाइक अ बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और वगैरह यहां पे. सम यू नो लाइक होम्स. या या स्पीड यहाँ पे सिल्विया तो मुझसे पूछ रही है, बता तो दूंगा तेरे को मैं. आई थिंक दिस इज इनसाइड सिटी ओनली, क्योंकि जहां जहां पे आपको घर दिखेंगे दैट मीन्स इनसाइड सिटी. सो इट्स 60 या 50. तो इनसाइड सिटी 50 किलोमीटर पर आवर. और अगर आप सिटी का एक साइन आता है, यहाँ पे साइंस बहुत है साला. यहाँ पे एक सिटी का साइन आएगा, वहाँ पे ना वो क्रॉस लगा हुआ होगा साइन पे, आ रहा है देखो दिखाता हूँ तुमको, वो भी आएगा सामने, वो देख रहे हो ये साइन आ रहा है अभी. इसका मतलब आप सिटी से बाहर निकल चुके हो. देन इट बिकम्स व्हाट, 90. ये देखो हट गया ना, तो अब यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. फिर मोटर पे आई थिंक इट गोज अप टिल 130, 140, 140 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड लिमिट्स है यहाँ पे. जैसा आपने देखा होगा आती बार हम वीडियो जो बनाया था हमने, वो तो जर्मनी से ज्यादा एवरेज स्पीड है यहाँ पे. ये रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जहरीला है भाई. देखो ट्रेन नेटवर्क है, यहाँ से ट्रेन भी आ रही है. बट मतलब ये एक इतनी बड़ी सिटी नहीं है, बट यहाँ पे भी रोड्स बहुत अच्छी हैं. तो वार्सो जो आपको दिखाएंगे प्रॉपरली ना, सारी मेन सिटीज तो आपने कुछ देखी होंगी, बट कुछ और दिखाएंगे आपको. ये देखो दो लेन्स है फुटपाथ पे भी ना, दो लेन्स है. एक साइकिल लेन है, तो यहाँ से साइकिल जाती है, और जो वो ग्रे वाली है दूसरी वाली वो पेडिस्ट्रियंस की है. तो इंफ्रा तो भाई बहुत अच्छा है यहाँ का, नो डाउट. अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में, भाई ये बंदा जिस जगह रहता है वही जगह बेस्ट है, बाकी सारी खराब हो गई है. तो ऐसी बात नहीं है भाई, लंदन मेरे दिल के बहुत करीब है. बिकॉज एज यू नो मेनी ऑफ यू माइट नो एज वेल, कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने पढ़ाई, हायर एजुकेशन सब लंदन से स्टार्ट किया है. तो लंदन आई थिंक आई एम डीप डाउन अ लंदनर एज वेल, जहाँ दिल्ली का भी हूँ और लंदन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यू नो हिस्सा मेरे अंदर रहता है. बट पोलैंड भी अब धीरे धीरे यू नो सिंक इन हो रहा है, बिकॉज एज यू नो द फ्यूचर अनरेवल्स, आप थोड़ा सा यू नो कामनेस की तरफ जाते हो. आई थिंक इन माई ओपिनियन लंदन इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. अगर आप स्टूडेंट हो और बैचलर हो, तो आप जो मजे करोगे ना लंदन में आज, बिकॉज यू नो पैंडेमिक हो गया है और अब ये EU ब्रेग्जिट हो गया, तो इससे थोड़ा सा खलल तो हुई है भाई यू नो काफी चीजों में. बट एज अ स्टूडेंट लंदन से अच्छी जगह तो भाई आप एंजॉय करने के लिए है ही नहीं. मैंने क्या रूडनेस कही थी, व्हाट डिड आई से, लाइक व्हाट, क्या मैंने रूडनेस कही, स्कूलिंग मी विद द मशीन, स्कूलिंग यू, ओह लेट्स गो टू दिस मशीन नाउ, एंड व्हाट इज द मीनिंग दिस मशीन, नॉट मीनिंग, तू बैक की, वी आर डूइंग शोल्डर्स, यू टू बैक की मशीन पे खड़ी है सिल्विया, इट्स रिटन ऑन द मशीन विद क्लियर इंस्ट्रक्शन की ये बैक की मशीन है, कह रही है ये करना है. मैंने कहा हम ये कर रहे हैं, टाइम्स ऑन आवर शोल्डर डे वी यूज दिस बैक मशीन, डेल्ट करते हैं, वी ओनली यूज अपर डेल्ट. वो व्हाट अबाउट दिस मशीन, हां तो यही वाली बोल रहा हूं, या दैट वाज द मशीन, हां एंड वी यूज इट ऑन आवर शोल्डर डे. चलो ठीक है, बेबी से बहस करोगे तो अपने सर पे ना दर्द, अपना सर दर्द ही हो जाएगा. छोड़ भाई, अपना सर पटकने से अच्छा है चुप रहो भाई, चुप. हमारा सामान आ गया भाई, आधा हाफ आ गया, अभी हाफ लेके आएंगे, और ट्रक जो ड्राइवर है भी आधा ही ले पाया. ये देखो भाई कितना है भाई, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, पीचेस आई थिंक पीचेस है भाई. ये देखो कितने खीरे है भाई आचार के लिए, समझ रहे हो. तो यहाँ पे यही छोटे वाले खीरे खाए जाते हैं,
इसी को ओगुरुकी कहते हैं भाई, इसका पोलैंड दीवाना है, मतलब क्रेजीनेस। इसी का मतलब अचार भी ना बनता है बेसिकली इसी से, बाकी चीज़ों के भी बनते हैं, बट ये ओगुरुकी इज सो फेमस इन पोलैंड। और इसके अंदर क्या है, पूरे जुकीनी भी लेके आए, ये क्या गाँव गए थे सर ससुर जी भाई, अंडे भी लेके आए हैं देसी, ये देखो भाई देसी अंडे, समझ रहे हो। ओ भाई साहब, Did he went to some village or something? I think he always goes, है ना? हमें भी जाना चाहिए यार, we will also go. इनका कोई है जानकार ना किसी गांव में पोलैंड के, वहाँ एकदम प्योर ऑर्गेनिक खाना फार्मिंग का सारा सामान लेके आते हैं किलो किलो भर के। ये देखो ससुर जी ने गाड़ी बाहर निकाली और हमारे व्हील साफ करने कर लग गए, पता नहीं भाई क्यों करते हैं ये। वो देखो भाई साहब, ये बंदा मैंने बताया ना भाई गाड़ी का दीवाना है, बट गाड़ी मुझसे हमने have you ever get gotten cleaned? No, we did. जब हमने गाड़ी साफ करी थी उसने ये साफ तो करा था यार। But never like deep inside. Yeah, but we did a massive trip also, ना? तो उससे भी काफी गंदगी होगी। Bleeding liquid is called. Bleeding liquid. अरे भाई, क्या क्या जहरीली चीजें, मैं तो पता भी नहीं ये सब चीजें भी होती है गाड़ी की है, इसलिए do we even know these type of things? वो देखो भाई पूरा मसला है भैया। अरे भाई, so it's red at first. Oh, it's red at first. अच्छा, अभी पता लगा है कि ये descaling करनी है, यहाँ का ये पुट्ठा जो है जहाँ से सब निकलता है ना ये कॉफी मशीन का, इसको भी साफ करना है भाई। सीरियसली आई थिंक वन एडवाइस टू एवरी वन, डू नॉट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव कॉफी मशीन्स, जो अपना चुपचाप वो फ्रेंच प्रेस लेके आओ मैन्युअली, डू दैट, दैट्स इट। फ्रेंच प्रेस आई थिंक इज वेरी टेस्टी एज वेल बाबा, इज द सेम, और क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, गेट योर सेल्फ दिस कॉफी ग्राइंडर प्रोबेबली। पता नहीं मैं, मेरे को जितनी इसकी बसूड़ियाँ हैं देखो, दोनों में इसमें भी प्रॉब्लम आती है। मैं तो कॉफी पीता भी नहीं हूँ, मैं क्यों इतनी बसूड़ी कर रहा हूँ, पियो भाई जो करना करो, मुझे क्या, अपना चाय मिल जाए बस काफी है भैया। और सुनाओ, और क्या मौसम का पहुंचा, मौसम मौसम प्यारा ही है अभी। अच्छा, गार्लिक काटा जा रहा है, बेसिकली ये है खीरा जो है, इसके अचार बनेगा, अभी गार्लिक भी इसमें डाला जाएगा और आई थिंक पेपर भी डलता है इसके अंदर। तो सिल्विया मुझे बता रही थी कि दिस इज वेरी सीजनल, दो आपको ये खीरा मिल जाएगा विंटर्स में भी, मतलब सुपरमार्केट में, बट बिकॉज ये सीजनल है तो वो प्रॉब्ली स्टोरेज वाला होगा, तो फ्रेश यू नो उसके अचार बना के रखने का मजा ही कुछ और है, तो इसलिए ये लोग एक ट्रेडिशन बन जाता है। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन इन एवरी पोलिश हाउस होल्ड, तो अच्छा है, इट्स क्वाइट फन एक्चुअली। ये टाइप का खीरा, आई डोंट नो, इंडिया में वी हैव वेरी सिमिलर क्यूकम्बर्स बट वी हैव लॉन्गर देन दिस, दिस स्मॉल वंस आई डोंट नो इफ इंडिया में अवेलेबल हैं कि नहीं भाई, कमेंट करके बताना कि ये इंडिया में छोटे वाले खीरे अवेलेबल हैं क्या, इतने छोटे मतलब, पता नहीं भाई, बट इंडियंस आर, इंडियन खीरा इज ऑल एट लीस्ट दिस मच मिनिमम, आई डोंट नो, वी हैव दिस टाइप ऑफ क्यूकम्बर्स एज़ वेल बट दैट्स द वन वी यूज फॉर पिकल्स, अपेरेंटली वी हैव 20 kg. 20 किलो? या एंड दिस इज ओनली फॉर अस? यस, थोड़ा ओके, इट्स फॉर विंटर बाबा, इट्स फॉर योर रिलेटिव्स और सबको बांटने के लिए, ये खुद ही खाने वाले हम लोग, वो देखो कितने जार्स है, लुक हाउ मेनी जार्स, अरे मां कसम, या वी माइट हैव अराउंड 100 ऑफ देम। ये तो लकड़ी जैसा लग रहा है, दिस लुक्स लाइक अ बार्क ऑफ अ ट्री, हां यार बहुत ही जहरीला लग रहा है, ये यू शान शान, बाप रे बाप, इट स्मेल्स लाइक दिस रेडिश, बहुत स्ट्रॉन्ग, ओह सो इट्स लाइक वजाबी, लाइक वजाबी है ना, इट्स लाइक वजाबी, या ओबा किसी ने वो जापानीज वजाबी खाया ना, वो ग्रीन ग्रीन वाला, जो तो स्ट्रॉन्ग वो स्मेल आ रही है, पॉलिश वजाबी है तो ये है सारी सामग्री जो ना वो उसके अंदर डलेगी। तो ये क्या है सिल्विया, दिस इज मस्टर्ड सीड्स हैं, दिस इज व्हाइट मस्टर्ड सीड्स, व्हाइट मस्टर्ड सीड्स हो गए तेरे, हाँ, दे आर नॉट लाइक दिस ब्लैक वन दैट, और ये यार काली मिर्च जैसा लग रहा है, बट सिल्विया सिंह दिस इज कॉल्ड ऑल स्पाइस, ऑल स्पाइस, ये कुछ वेस्ट इंडियन सम ट्रॉपिक कुछ ऐसा कुछ वो है, ये मिक्सचर है कि मेरे ख्याल से पेपरनेस के लिए होगा, दिस मस्ट बी लिटिल बिट वेरी पेपरिश, नहीं अलग ही है, अच्छा चलो भाई अलग ही है ये कुछ, और ये करूँ खोल के देखूँ, देख रहा यार ये नई नई चीजें भाई देखने को मिलती है, इंडिया में भी होगा यार ऐसा, हो नहीं सकता, एक देख, अरे हाँ, अरे हमारे इंडिया में है 100%, दिस इज लाइक, इट्स गॉट दैट सिट्रसीनेस टू इट एंड देन सिनेमनीनेस टू इट एज वेल, है ना, बहुत अलग है भाई ये, बहुत अलग है, आई डोंट नो व्हाट इट इज भाई, पता नहीं क्या है भाई, नई नई चीजें पता चल रही है भाई आते आके। तो एक जार बनेगा, उसके अंदर ये सारी सामग्री यू नो सारे जो जार्स हैं उसमें ये सब मिक्स करके डाला जाएगा, खीरा डाल देंगे, फिर ये पेपर डालेंगे, फिर मसाले भी हैं थोड़े बहुत वो डालेंगे, फिर ये रेडिश पेडिश सारा,
डुबो दिया जाएगा उसमें और फिर उसको लॉक आई थिंक एयर टाइट किया जाता है। तो ये तो भाई महीनों महीनों चलते हैं एकदम वाइन की तरह। देखते हैं भाई क्या होता है, मैं भी बड़ा क्यूरियस हूँ। और ये आपका बे लीव्स हो गए, ये तो वी हैव एज वेल, दिस इज योर सॉल्ट। और ये विनेगर है ना, ये विनेगर में डलता है बेसिकली। 10% विनेगर, 10% विनेगर, तो दिस इज अ स्पेशल सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर पिकल्स। ये स्पेशल सॉल्ट है पिकल्स के लिए आता है ये। अच्छा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? आई डोंट नो, मे बी मोर फाइनर प्रोबेबली, आई डोंट नो। तो ये ही है भाई सारे मसाले जो पोलैंड यूज करता है अचार के लिए। और ये एक और इंग्रेडिएंट, ये हर्ब डलता है इसमें, आई थिंक दिस इज कॉल्ड दिल गाइस। काफी मिंटी कोरिएंडर ही टाइप का इसका स्मेल और फ्लेवर आता है, बट लिटिल बिट माइल्डर देन कोरिएंडर आई वुड से। ये एक्चुअली यूज करते हैं चिकन के ऊपर भी यहाँ पे ना एज अ सीजनिंग। चलो सिल्विया जी विल डू द ऑनर्स, तो सिल्विया जी बताएंगे हमको कैसे करना है। Okay, so what I will do now? Yeah. I will start from cleaning them. So okay. we put them in the water already. Water, I will clean them again. Again? Yeah. Like you're gonna put them in water again? Yeah, because you know they're coming from from the fingers, so they're dirty. So we'll wash them and then we'll put them in the jars. And then we'll put another set of agurki. तो कितना, how many kilo? 50 kilo तो लेके आए तुम्हारे पापा? 20, around 20 kilo of cucumbers, and then we have full bag of zucchinis. And we are thinking, and we make zucchini, we make curry zucchini. Curry powder डालते हैं इसके अंदर, तो मुझे पता नहीं था. Curry powder. And the one that my mom makes, the one that got pepper inside, zucchini, cucumber. That also has this curry powder. But this is like recently, or this is a traditional Polish thing for a long time? I don't know. But curry kab se curry powder use kar rahe, pata hi nahi tha, batao yaar. Maybe recent. I don't know. Before they were making it like more plain. You know, without this curry. I mean, they were putting the garlic, garlic and all of this stuff, but yeah. Probably not curry powder. Yeah. यहाँ पे ये है कि आपको Indian supermarket ये छोटे areas में तो नहीं मिलने वाली, but Warsaw वगैरह मतलब बड़े areas में होती है। बट सुपरमार्केट्स में करी पाउडर मतलब बेसिक अपना जो इंडियन हिसाब है वो अब तो मिल जाता है भाई हर जगह, यहाँ पे भी इवन छोटी छोटी शॉप्स में, बिकॉज वी हैव लिडल ऑल्सो, तो लिडल यूके का ही ब्रांड है, नो कहाँ का है ओरिजिनली, बट सब कुछ वहां पे मिल जाता है। करी पाउडर वगैरह, ऑल द हर्ब्स एंड ऑल यू गेट, करी पाउडर यू गेट, गरम मसाला, गरम मसाला मिल जाता है आपको, दिस स्टार यू गेट, कार्डमम, कौन सा, हाँ कार्डमम, इलायची, ऑल बेसिक स्टफ, चिली पाउडर यू विल गेट। लास्ट टाइम वी वर लुकिंग फॉर mustard seeds and we couldn't find mustard वो seeds. इतना deep south indian system तो नहीं है ना, इतना नहीं है, we don't have that much here, but I think Warsaw and all you will get there. Oh, for sure, for sure. Maybe if we look in different shops and maybe we'll get it here also. But even if you go into spices aisle in the supermarket, like they have so many spices. Yeah. So it's actually so hard to find it. Maybe they had it and we just missed it. चलो second time wash, okay. तो ऐसे ऐसे jar बनेंगे, एक jar के अंदर अब क्या क्या है, how many cucumbers do you put? As many as you fit inside. मेरे ख्याल से चार, I think four will go inside. Four. Yeah. I don't think so. देखो, many will go inside. हाँ, एक दो तीन चार पांच. मैंने काफी जा रहे हैं actually. हाँ. ये वाला ठिड्डू सा ये भी डाल दे. Oh, I think this is not fitting. तोड़ दें इसको, can you break it in the middle? हाँ, फिर साफ कर रही है. साबुन से साफ करते हैं मैं तो कह रहा हूँ. अरे भाई पूरा पूरा भर दिया भाई, ठूस दिया पूरा अंदर. दुनिया है खीरों का मेला, खीरे में ये दिल अकेला, एक खीरा चाहता हूं मैं खीरे के लिए. कोई सेंस बना नहीं इस बात का, बट मतलब काफी खीरे हैं. Ogurek, 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 zielony ma garniturek, i czapkę, i sandały, zielony, zielony jest stały. So basically you are singing that cucumber, cucumber is wearing this green suit. Suit, yeah. Ah, okay. And he got a hat, and he got the slippers, and he is like fully green. Oh, what jerila cucumber hai bhai. Jerila. That's what you can sing when you are making ogurek. Achha. Ogurek, 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 meru baba ke pet mein kab jurek. Hey, silly. Hmm.
Who would have thought कि remember the first time when you came to meet me from Poland? You met me in the station. Did you know that this it would lead to all of this? I actually know. तो सारा डल रहा है भाई सामान. ओहो देखो भाई सारा मसाला डल गया इसमें. व्हाट यू पुटिंग हर्ब्स दिस. सो दिस इज मस्टर्ड सीड्स, व्हाइट मस्टर्ड सीड्स. वो कितना सुंदर लग रहा है यार ये सारा डाल के. तो अभी तक इसमें डू यू नो पुट गार्लिक इट. आई पुट गार्लिक इनसाइड ऑलरेडी. हां तो इसके अंदर क्या क्या आ गया. गार्लिक आ गया. यू पुट डिल, क्यूकंबर, यू पुट हॉर्स रेडिश. हां and bay leaves and then what do you put water in it or vinegar. Water with salt. ये जो मेहनत अभी कर रहे हैं ये लोग अभी आप खा ही नहीं सकते. इसको fermentation के लिए रखा जाता है. I think it gets ready after 2 weeks, Sylvia. तब तक इलाज करने चाहिए शुरू से रुकिए. तो किसी में से मालो सोलना है. можно лишь по 6 дня есть мало сольно не а так это еще около месяца до 4 дня around a month. वन मंथ. ओ एक महीने तक भाई ये मतलब पूरा एयर सील्ड होता है. एक महीना लगता है इसको फर्मेंट होने में प्रॉपरली. और फिर वो खटास और वो आता है वो एक ना फ्लेवर बड़ा अलग आता है इसका फर्मेंटेशन के बाद. He said that you can try one jar like in few days. We can. So yeah, you can, but that would be like a very mild flavor. Very mild strong flavor. नहीं होगा. Cucumbers will still be like really hard. Cucumbery taste आएगा. Like, समझ गया. Kind of like a fresh. So he said the best is for one. For one month. हाँ, वो समझ गया. Sour taste. हाँ, वो खटास आने के लिए I think you have to wait like a month or something. तो चेहरा जहरीला कहाँ यार. इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता नहीं था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये बनाना. और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार. अरे वाह यार. That will be, I think, very, very new for our Indian audience to see. अरे वाह. बेबुशु इज पीलिंग क्यूकम्बर नाउ. इसमें भी 10 तरीके के अचार बना रही है. एक तो ये पील के बगैर, एक पील के साथ. सो दिस वन आई थिंक दे आर एडिंग दिस विनेगर. जो विनेगर है विनेगर मिक्सचर, इट मेक्स इट स्वीटर. यस सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स. एक पानी में बनता है, एक विनेगर में. यस तो देखो भाई दुकान ये. इट लुक्स लाइक वी हैव अ शॉप नाउ. सो मेनी जार्स आर रेडी. दे लुक अमेजिंग. सो नाउ दे जस्ट हैव टू चिल फॉर अबाउट 3 weeks, 3-4 weeks एंड देन वी कैन ईट देम. इसमें अभी कुछ करी पाउडर का ना मिक्स विक्स, ये मद्रास करी पाउडर डाल के कुछ करते हैं ये लोग. बहुत टेस्टी बनता है भाई. मतलब आई थिंक हल्का सा इसको अनियंस के साथ ना स्टर फ्राई करते होंगे. आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग. क्योंकि ये निकाल तो लिया है तो अभी देखते हैं इसको क्या कैसे करने वाले हैं. ये वाले बड़े स्वाद होते हैं यार. कुछ भी कहो भाई, ये मैंने पहले भी खाए हुए हैं. इसमें प्याज व्याज सब समझ रहे हो. हो भाई दिन की रात हो गई अभी तक चल रहा है काम. मतलब भाई बहुत हैंड्स ऑन काम है यार ये. अभी ये पानी में चीनी और सॉल्ट दोनों मिक्स करे हुए हैं. अब पता नहीं भाई आगे क्या करने वाले हैं. नींद से आ रही है भाई. हो गया भाई, एक आधा बना देते हैं ठीक है. बाय द वे अच्छा था. इतने सारे बनाने की क्या जरूरत थी. अब है मेन मसला, मद्रास करी पाउडर डलेगा भाई यहाँ के अचारों में. अब तो कितना डालना है. और भाई सिल्विया इसमें ना दिस इज वेरी हॉट माइंड यू नो. तो ये डलेगा भाई. तो पानी चीनी पता नहीं भाई क्या बन रहा है. ये जैसे बिना पकाए हुए मसाला डल रहा है. पता नहीं है क्या पता फर्मेंटेशन वो फ्लेवर. आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर लाइक यू नो थोड़ा बहुत फ्लेवरिंग के लिए. इसमें ज्यादा वो बस इतना कुछ करना नहीं होता. चार चम्मच हो गए भाई. So you have pani, namak, little bit of sugar, and curry. That's it, yeah? Yeah. ये तो मुझे गोल गप्पे का पानी लग रहा है. चलिए पानी पूरी. पानी पूरी खा ले क्या, लेके आऊँ गप्पे लेके आऊँ क्या. तो ये जो मिश्रण बनाया गया है इसमें इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे, ये कुक करेंगे थोड़ा. तो हाँ मसाला थोड़ा कुक तो हो जाएगा. फिर ऊपर थोड़ा सा और सिरका डालते हैं इसमें, विनेगर मिक्स करते हैं जब वो हॉट हो जाता है. और फिर वो पूरा जो मिक्सचर है उनको भरते हैं ये वाले जो खुले वाले
खीरे हैं और पेपर वाला जो है, समझ रहे हो भाई, दिखने में ही वही जहर लग रहा है। ये तो अभी है गरम गरम वो मसाले का वो तड़का, ऊपर वो तड़का ही हुआ यार एक तरह से देखा जाए तो। हो गया भाई हो गया, अब ये गरम होके विनेगर और ये सब मिक्स करके इसमें डाल दिया। बहुत यूनिक है यार ये अचार बनाना है सिल्विया, दिस इज सो यूनिक है। करी कलर का एक कलर आता है ना, ये मद्रास करी पाउडर का एक सारा खेल है। कमाल है यार, बताओ पोलैंड में मद्रास करी पाउडर डल रहा है यार अचारों में। खुशबू पता कैसी आ रही है, वो मैगी मैगी यू नो मैगी नूडल्स है दिस टेस्ट मेकर, वो ऐसी खुशबू आ रही है। सिल्विया तू इतनी एनर्जी लाती कहां से, वेयर डू यू गेट दैट मच एनर्जी है। 11 बज गए, नाउ यू गोना आई प्लान टू मेक अ केक नाउ। ये जेली बना दी इसने, क्यों बना रही, कल बनाएंगे सिल्विया, आज ही क्यों बनाना है भाई। टुडे वी थिंक वी विल हैव टुमारो फॉर कॉफी चैरिटी। या विद बनानास एंड क्रीम। ना कैसे कर सकता हूँ मैं, चल मैं भी हेल्प करूंगा ऑब्वियसली। तो चलो भाई मैं तो पूरा नेकर टाइप हो गया हूँ। तो ऑन दैट नोट आपको होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा, कुछ नया दिखा, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाने की आपको। तो बस और क्या, अपना ख्याल रखना और क्या, गुड बाय बाय। चलो भाई मिलते हैं एक नए व्लॉग पे। इट्स आदियस फ्रॉम मेरवन सिल्विया। बोलेगी जाने से पहले सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन फ्यू मंथ्स अराउंड द विंटर टाइम। हां मतलब जा रहे हैं ना, गोइंग विल कम नेक्स्ट व्लॉग में भी, बट इसका भी हम आपको अपडेट देंगे आई थिंक आफ्टर वन मंथ व्हेन वी विल बी ओपनिंग दीस जार्स एज वेल। तभी जहर मजा आने वाला है भाई। तो मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मेक बिरयानी विल हैव इट, तब बिरयानी बनाएंगे बिरयानी के साथ ना भाई। बिरयानी से तो क्या टेस्ट है इसका। ओके चलो भाई, चलो भाई ओके। The sky is blue, I got the sun in my eyes. It can't get better than when she makes that smile.